हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों, कोविड-19 वापस से आ चुका है। आप और अपने परिवार सबको सुरक्षित रहिएगा, मास्क वगैरह जरूर पहन के रखिएगा। और दोस्तों, इसी वजह से बहुत सारे जगहों पर थिएटर, सिनेमा हॉल्स और भी मॉल्स वगैरह, जिम वगैरह सब कुछ दोबारा से लॉकडाउन लग चुकी है और बंद भी हो चुकी है। जिसी वजह से अभी बहुत सारी जो अपकमिंग फिल्म्स थी, बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म्स, दोस्तों उन सब की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ दो बहुत ही अमेजिंग फिल्म जो कि आने वाली थी। एक है शाहिद कपूर की, जिसका नाम है जर्सी, और दूसरा है RRR, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स में से एक होने वाली है। ये दोनों अभी रिलीज होने वाली थी साल के आखिर में ही, लेकिन इनका रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी है इनकी रिलीज डेट और ये दो फिल्म आपको थिएटर्स में कब तक देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म सच में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही थी इस फिल्म की ट्रेलर। लेकिन दोस्तों, कोविड की वजह से अब थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि काफी जगहों पर थिएटर्स बंद हो चुकी है, और अगर प्रोडक्शन हाउस ने अभी इसे रिलीज कर दिया तो उनका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस फिल्म की कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं आई है कि कब इस फिल्म को वापस से थिएटर्स पर लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि 3 से 4 महीने तक की बात सिचुएशन नॉर्मल हो जानी चाहिए, तो उसके अराउंड यानी कि आपको मार्च या अप्रैल तक के महीने में आपको जर्सी फिल्म थिएटर्स में दोबारा से नजर आ जाएगी। दोस्तों, दूसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR, जिसकी ट्रेलर इतनी ज्यादा जहरीली लग रही थी कि दोस्तों मन तो कर रहा कि अभी इस फिल्म को जाके देख लूं, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए भी हमें काफी ज्यादा वेट करना होगा, क्योंकि ये फिल्म भी साल के आखिर में ही आने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से इस फिल्म को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तक प्रोडक्शन हाउस ने कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं निकाली है, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है ऑलरेडी कि जैसे ही कोविड की सिचुएशन वापस इंडिया में नॉर्मलाइज होने लग जाएगी, दोबारा से थिएटर जब खुल जाएंगे उसके तुरंत बाद ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि मेरे एक्सपेक्टेशन से इस फिल्म को मार्च या अप्रैल के महीने में ही रिलीज कर देना चाहिए। तो दोस्तों, 2022 में आपको अभी तक तो साल की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही है, क्योंकि दोस्तों दोबारा से कोविड फैल रहा है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे थिएटर्स दोबारा से खुलेंगी और ये सारी फिल्म सबको दोबारा से नजर आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।